मुख्यमंत्री जी इंडिया के बैठक में जाएंगे। इंडिया गठबंधन उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा। नीतीश कुमार जी की इच्छा जरूर है कि भाई इसमें जो कुछ भी फैसला लेना है जल्दी लेकर के आगे का काम किया जाए। मैं आगे पहले तो 6 तारीख का आया था डेट, फिर उसको पोस्टपोन किया गया और आगे जो भी अभी तक कोई डेट कम्युनिकेट नहीं किया गया हम लोगों को, आगे जो भी डेट होगा उसमें मुख्यमंत्री जी इंडिया के बैठक में जाएंगे, क्योंकि इंडिया बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है, आर्किटेक्ट रहे इंडिया बनाने के, और बनाने के रहे हैं तो उनका कंसर्न हमेशा वो रेज करते रहे। उनको ये भी था कि भाई 2-3 महीना हो गया, इसका जल्दी करके जो इशूज है इसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि जब भी बैठक होगी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। हालांकि उसका कोई मॉडलिटी वो तो हर एक जारा में यात्रा निकालता है, उनका तो पैटर्न रहा है 4 डिग्री से 44 डिग्री तक, वही ना आज तक का 18 साल का उनका इतिहास है कि जब पूरा ठंडा पड़ने लगता तब यात्रा निकालता है। अभी उतना ठंडा सुख पड़ा नहीं, थोड़ा और ठंडा का वेट कीजिए तब यात्रा निकलेगा। कौन कौन राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं? नहीं वो तो हमको नहीं जानकारी है अभी, लेकिन ये है कि उसमें इंटर स्टेट इशूज रहता है, इससे पहले कलकत्ता में हुआ था या भुवनेश्वर में हुआ था, इस बार पटना में है, और जो बिहार का जो इशूज डिफरेंट स्टेट के साथ है या हम लोगों का इंटरनेशनल, ये तो इंटर स्टेट हो गया दो स्टेट के बीच में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो इशू है जैसे नेपाल में हाईडैम बनना है और भारत सरकार को भी बात करना है उसको रिजॉल्व करना है, जिससे कोसी में या कमला में मेजर गाद आता है या बाढ़ की समस्या रहती है, तो वो इशूज भी हैं। अन्य जो इशूज खास करके दो स्टेट के बीच में है वो सारा विषय वहाँ पर आएगा उस मीटिंग में, जो 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 पहले से प्रक्रिया बनी हुई है उसी हिसाब से वहाँ पर दस्तान होगा। वो सरकार में तय होगा कौन सा बेबी इशूज कौन सा मुद्दा, अभी मुख्यमंत्री के स्तर पर मीटिंग हुई है, अभी जस्ट खत्म हुई है मीटिंग, अभी मुख्यमंत्री जी ने उस मीटिंग को लेकर के जो होने वाला है 10 तारीख को मीटिंग, अभी मीटिंग किया है, तो अभी तो एजेंडा वहाँ से आता है ना, एजेंडा वहाँ से आता है कि किन किन एजेंडा पर डिस्कस होना है, तो उस एजेंडा को लेकर के मीटिंग किया था हम लोगों, अभी मुख्यमंत्री जी की ने अभी मीटिंग ली है कि जो एजेंडा है उसमें क्या क्या बात रखना है, जो बिहार के इशूज हैं कंसर्न है, अन्य क्या बात आएगी उस पर सरकार तय करेगी उसी समय जी क्या करना है। देखिए सरकारी मीटिंग नहीं, ये तो ऑफिशियल मीटिंग तो कहीं भी, वो तो दिल्ली में भी होता है, ये तो प्रोटोकॉल है, या जहाँ भी होता है उसमें तो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, सबसे बड़ा पर्पस है स्टेट के इंटरेस्ट को रखना या जो इशूज है उसको रखना, तो वो तो कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो दूसरे के यहाँ रखता है, आज तक परंपरा तो यही रही है। कभी कोई दूरी नहीं बना है, नहीं कैसे नहीं गए, अभी तो गए थे जब G20 का मीटिंग हुआ था तो गए थे, हाँ लेकिन गए थे ना राष्ट्रपति के भोज में, तो वो तो जब होता है अलग अलग इशूज पर तो जाते ही हैं, लेकिन सब में सब मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, बहुत जगह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं जाते, ये भी देखिए, तो सब जगह नहीं गए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी कोई जाते हैं तो उन्हीं के बिहाव पे जाता है ना, कोई दूसरे जाता है, लेकिन जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है उसमें मुख्यमंत्री जरूर स्टेट के इंटरेस्ट की बात जाके रखता है। अच्छा मंत्री जी, कांग्रेस भी कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन के जो फेस होंगे नीतीश कुमार को लेकर, क्या देख रहे हैं 2024 में कौन चेहरा होगा? मुख्यमंत्री तो बार बार बोल चुके हैं कि उनका एक ही उद्देश्य है ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा, और इंडिया गठबंधन जो है वो बनाने में उनकी, मैं बार बार ये बात, महती भूमिका रही है, हम लोग उनके साथ थे बहुत जगह जो गए मुख्यमंत्री जी, लोगों के कंसर्न थे इशूज थे, तभी तो सबको इकट्ठा करके पटना में लेके आए और तभी ये एक मोमेंटम बना इस सारे चीज़ का, इसलिए क्या होगा नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी की इच्छा जरूर है कि भाई इसमें जो कुछ भी फैसला लेना है
जल्दी लेकर के आगे का काम किया जाए, आगे जब भी मीटिंग होगी उसी लाइन पे बात रखा जाए। लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आएगा। नहीं, हम लोग कोशिश तो वही रहेगी ना कि बिहार में महागठबंधन 400 सीट जीते, और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं सारे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।